नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम न्यूज। मैं पुनीता मिश्रा, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। दीनदयाल शोध संस्थान लाल बहादुर शास्त्री कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम गोंडा। किसान मेला एवं बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम कृषि सूचना तंत्र योजना अंतर्गत आज दिनांक 17/9/2019 को दीनदयाल शोध संस्थान कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम गोंडा में किसान मेला एवं बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर उपेंद्र नाथ सिंह ने अतिथियों का परिचय एवं स्वागत किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर किसानों की आमदनी दोगुनी करने के गुर बताए तथा जल संरक्षण, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे तथा अपने लिए स्वयं रसायन मुक्त पौष्टिक अनाज सब्जी एवं फल पैदा करेंगे, ऐसी शपथ भी दिलाई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य नीरज मौर्य ने जय जवान जय किसान एवं जय विज्ञान जय अनुसंधान की चर्चा करते हुए कहा कि आज खेती में वैज्ञानिक सोच की आवश्यकता है, जहां लागत कम करते हुए अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इफको के एरिया मैनेजर दिनेश सिंह ने अपने विभाग के विभिन्न उत्पादों की जानकारी दी। उद्यान निरीक्षक अनिल शुक्ला ने उद्यान विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। वैज्ञानिक राम आधार रावत ने पशुपालन एवं हरिपाल सिंह ने रबी फसलों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर एक महिला गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित सभी महिलाओं को आम के पौध उपलब्ध कराए गए तथा केंद्र पर पौधरोपण भी किया गया। वैज्ञानिक आशीष कुमार पांडे, संत कुमार त्रिपाठी, शशिबाला सिंह आदि ने कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग किया। प्रगतिशील कृषक पवन सिंह, ओम प्रकाश पांडे तथा अनिल चंद्र पांडे ने भी अपनी खेती के अनुभव को किसानों के बीच साझा किया।